दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बच्चन पांडे मूवी के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया है फरहाद सामजी द्वारा। इसके मेन लीड रोल पे है अक्षय कुमार और जिनके साथ है कृति सैनन, जैकलिन फर्नांडिस, अशरद वारसी, पंकज त्रिपाठी, संजय मिश्रा, अभिमन्यू सिंह और प्रतीक बब्बर। फिल्म 18 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को 2900 से 3000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। अब बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। इसमें दिखाया गया है कि कृति सैनन एक डायरेक्टर की भूमिका निभा रही है, जो एक गैंगस्टर के लाइफ पर फिल्म बनाना चाहती है। काफ़ी सर्च करने के बाद उसकी तलाश बच्चन पांडे पर ख़त्म होती है। इस मूवी में दिखाया जाता है कि अक्षय कुमार का लुक न सिर्फ एक खतरनाक है, बल्कि उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी खूंखार देखने को मिल रही है। और इसमें अक्षय कुमार की गर्लफ्रेंड जैकलिन फर्नांडिस बनी हुई है। इसमें दिखाया गया है कि बच्चन पांडे इतना बेरहम है कि किसी की जान लेने में एक बार भी नहीं सोचता। आगे दिखाया गया है कि कृति सैनन बच्चन पांडे की बारीकियों को समझने के लिए अपने दोस्त अरशद वारसी के घर पर पहुंचती है, जिसके बाद फिल्म में शुरू होता है कॉमेडी, एक्शन सीन्स, ड्रामा और कई ट्विस्ट टर्निंग के साथ दिलचस्प मोड पर आता है फिल्म का क्लाइमैक्स। अब बात करते हैं फिल्म में एक्टिंग के बारे में। अक्षय कुमार ने निगेटिव रोल की बात करें तो बहुत अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने, शायद उनसे बेहतर कोई इस रोल को निभा पाता। उनकी बिहारी जो डायलॉग डिलीवरी है बहुत कमाल की है। कृति सैनन का काम भी शानदार रहा है और जैकलिन ने भी बहुत अच्छा काम किया है। अरशद वारसी इस बार भी अपनी कॉमिक टाइमिंग से में कामयाब है। अन्य एक्टरों की बात करें तो पंकज त्रिपाठी, संजय मिश्रा, अभिमन्यु सिंह, प्रतीक बब्बन ने भी बहुत अच्छा काम किया है इस मूवी में। मूवी में अच्छे एक्शन सीन्स हैं, कॉमेडी, अच्छे ड्रामा सीन्स दिखाए गए हैं, बेहतरीन गाने, बेहतरीन दृश्य दिखाए गए हैं, ग्लासी फिनिश कैमरा वर्क है और अच्छी लोकेशन और फैंसी कॉस्ट्यूम देखने को मिल रहा है। ओवरऑल बात करें तो मूवी अच्छी खासी बजट वाली है। फिल्म के कंक्लूजन की बात करें तो फिल्म ओवरऑल बहुत अच्छी है। फिल्म में दर्शकों के मनोरंजन के लिए सब कुछ रखने की कोशिश की गई है जो दर्शक पसंद करता है। एक्शन सीन्स है, ड्रामा है, कॉमेडी है, मज़ेदार डायलॉग्स है, ज़बरदस्त मारधार भी अक्षय कुमार ने की है। इस मूवी में अक्षय कुमार ने अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश की है। और जिन लोगों को एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा मूवी पसंद है, उन लोगों के लिए एक मज़ेदार मूवी है। बिल्कुल पैसा वसूल है, आप अपने परिवार के साथ देख सकते हैं, क्योंकि इसमें एंटरटेनमेंट का फुल ऑन मसाला है। आप लोग ज़रूर देखकर आएं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। दोस्तों आपको मेरी जानकारी कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।